हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज हम प्राची पब्लिकेशंस की इंग्लिश ग्रामर की जो 8th क्लास के लिए बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। आज हम करेंगे एडवर्ब क्लोज। इससे पहले वाली वीडियोज में मैंने इसी चैप्टर में 2 या 3 वीडियोज और बनाए हैं जिसमें हमने द फ्रेज का जो कंसेप्ट था वो देखा था, फिर द क्लोज के बारे में देखा, और क्लोज में फिर हमने नाउन क्लोज पढ़ी, नाउन क्लोज के बाद हमने एडजेक्टिव क्लोज पढ़ी, और आज नंबर है एडवर्ब क्लोज का। थोड़ा टॉपिक लंबा होने वाला है तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडवर्ब क्लोज क्या होती है। सबसे पहले ये होती है डिपेंडेंट क्लोज। आई होप कि जिसने वीडियोज देखी हैं पहले वाली उसको पता है कि डिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज होती है जिसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट तो होता है, उसकी कुछ सेंस भी बनती है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं बनती। या आप यूँ कह लीजिए कि उसको पढ़ के जो डिपेंडेंट क्लोज है हम पूरा मीनिंग नहीं निकाल सकते। वो जो डिपेंडेंट क्लोज है वो डिपेंड करती है किस पे, मेन क्लोज पे, उसकी सेंस बनाने के लिए। तो देखिए एडवर्ब क्या होता है। एडवर्ब बेसिकली ऐसी चीज होती है जो कि मॉडिफाई कर सकती है किसको, नाउन को, प्रोनाउन को, इवन एडजेक्टिव को, और खुद एडवर्ब भी एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर सकता है। और एडवर्ब क्लोज क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए 9 तरीके की एडवर्ब क्लोज होती हैं, कंडीशन, पर्पस, प्लेस, कंपैरिजन, रीजन, मैनर, कंसेशन, रिजल्ट, टाइम। हम एक एक पार्ट उठाएंगे और फिर उनके नीचे उनकी एक्सरसाइजेज है वो करेंगे। सबसे पहले देखिए एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन को पहचानने का सबसे इजी तरीका है, एक कंडीशन दी हुई होगी और जिस पार्ट में कंडीशन दी हुई होती है वही एडवर्ब क्लोज हो जाता है। कैसे हो जाता है देखिए, इन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है, इफ, अनलेस, वेदर। जैसे इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, एक कंडीशन दी हुई होगी कि अगर वो ऐसे नहीं होगी तो उसका रिजल्ट कुछ और हो जाएगा। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे या बहुत हार्ड वर्क करोगे तो यू विल पास। तो इसमें जो इफ यू वर्क हार्ड है ये जो कंडीशन दी गई है पास होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। आगे देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तब क्या हो जाओगे, तुम फेल हो जाओगे। तो यू विल फेल जो है वो किस कंडीशन के द्वारा जोड़ दिया गया है, अनलेस यू वर्क हार्ड के लिए। और अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपने वर्ड्स को याद रखना है, इफ, अनलेस, वेदर। लेकिन वर्ड्स इतने सारे आएंगे आने वाले, ये देखिए 9 तरीके की तो यही है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो आप हर वर्ड को याद नहीं रख सकते, रट नहीं सकते। तो समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा क्वेश्चन पढ़ोगे और उस पर टिक लगा दोगे। तो जो कंडीशन जहां से स्टार्ट होती है वहां से क्या हो जाती है, एडवर्ब क्लोज स्टार्ट हो जाती है। आगे देखिए ये है, जैसे बीच वाला, बीच में हम एक इसको करते हैं, ये जैसे स्टार्टिंग में थे, शी मस्ट कम, उसको आना ही चाहिए, वेदर शी लाइक्स इट और नॉट, उसको अच्छा लगे या ना लगे। तो वेदर शी लाइक्स इट और नॉट, यहां से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। और जितनी भी हमने ये क्लोजेस पढ़ी हैं, आप इनमें एक चीज और देखना कि ये क्या है, इनमें ये डिपेंडेंट भी हैं, ठीक है, इनके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट भी है, और ये क्लोज का भी काम करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये जो है, ये जो कंडीशन है ये किसको मॉडिफाई करती है, इस वाली मेन क्लोज को। और ऐसे ही ऊपर जो हमने ये कंडीशंस पढ़ी थी ये किनको मॉडिफाई करती हैं, इन सब चीजों को। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूं, देखना कितना इजी क्वेश्चन है, आप बस पढ़ेंगे और इसके ऊपर इसको अंडरलाइन कर देंगे। देखिए, इफ ही रैन फास्ट ही वुड कैच द ट्रेन, सीधा मिल गया हमको, ये जो कंडीशन अप्लाई हो रही थी, ही वुड कैच द ट्रेन, कैसे पकड़ सकता है ट्रेन, अगर वो तेज भागेगा तो ही वुड कैच द ट्रेन। तो जहां से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है वहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, एडवर्ब क्लोज, और जहां तक कंडीशन रहती है वहां तक एडवर्ब क्लोज रहती है। If I were you, I would not talk to him. अगर मैं तुम होता या तुम होते या तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उससे बात नहीं करता। तो देखिए कंडीशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, if से स्टार्ट हो रही है। थर्ड है, if my friend were here, he would help me. अगर मेरा दोस्त यहाँ पर होता तो वो मेरी मदद करते, तो if my friend were here. Next है, if she had come in time, I would have
हैव मेट हर, अगर वो टाइम पे आ जाती तो मैं उससे मिल लेता। अगर आ जाता है ना यहाँ पे, अगर वो टाइम पे आ जाती, अगर ऐसा नहीं होता, अगर वैसा होता, तो ये सारी क्या है, कंडीशंस हैं। आगे और देखिए, शुड यू गो देयर यू मस्ट सी द जू, अगर तुम वहां जाओ तो तुम जू को देखना ही देखना। इफ यू वुड काइंडली वेट आई विल शो यू द बुक, अगर तुम इंतजार करोगे तो देखिए, आई विल शो यू द बुक, तो मैं तुमको अपनी बुक दिखाऊंगा। वी विल आस्क समवन एल्स, हम किसी और से पूछ लेंगे, इफ ही डज नॉट कम, अगर वो नहीं आता है तो। यहां से कंडीशन स्टार्ट हो जाती है इफ से। हैड आई नोन इट, जरूरी भी नहीं है बेसिकली कि इफ मिले या अनलेस मिले या वेदर मिले, जैसे इसमें था यहाँ पे शुड मिल गया था हमको, यहाँ पे क्या है, हैड आई नोन इट, अगर मैं मुझे पता होता तो आई वुड हैव कम टू सी यू, तो मैं तुम्हें मतलब देखने के लिए या तुमसे मिलने के लिए आता। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसका कंसेप्ट कि कंडीशन को आपने ढूंढ के निकाल लेना है, और 99% आपको केसेस में इफ वेदर या अनलेस इनसे आपको कंडीशन स्टार्ट होती हुई मिलेगी। और अगर आपको ये भी याद नहीं रखना है तो सबसे ज्यादा जरूरी तो यही बात है कि आपने कंडीशन को ढूंढ के निकाल लेना है। आप पढ़ेंगे उसकी हिंदी समझेंगे या उसको मीनिंग समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कंडीशन कहाँ पे अप्लाई हो रही है। सेकंड है, फटाफट से करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक है, इसके अंदर 9 पार्ट्स हैं और हर एक में कंसेप्ट्स हैं और हर एक के फिर 7, 8, 10 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज भी है। तो नेक्स्ट करते हैं एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन, ये तो बहुत ही इजी है। देखिए, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन आर जनरली इंट्रोड्यूस बाय एज देन लाइक। देखिए क्या है, ये तो है ही इसकी पहचान करने का तरीका कि ये वर्ड्स आपको मिलेंगे, लेकिन सिंपल सी बात है, किन्हीं दो चीजों के बीच में तुलना हुई होगी या कंपैरिजन हुआ होगा, किन्हीं दो फ्रूट्स के बीच में हो सकता है, किन्हीं दो हॉर्सेस के बीच में हो सकता है, किन्हीं दो गर्ल्स के बीच में हो सकता है, या अपनी ही किसी क्वालिटी का अपने से ही हो सकता है, जैसे कि ही इज एज इंटेलिजेंट एज ही इज हार्ड वर्किंग, जितना वो इंटेलिजेंट है वो उतना ही हार्ड वर्किंग भी है, या मेरी क्वालिटी की आपकी क्वालिटी से की जा सकती है कंपैरिजन। तो ये सारे कंपैरिजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब क्लोज होते हैं। और दूसरी बड़ी बात, क्योंकि ये क्लोज है तो ये एक वर्ड की तो होगी नहीं, ये डिपेंडेंट क्लोज होगी, और डिपेंडेंट क्लोज के अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा, उसके कुछ सेंस भी बनती होगी, और वो मेन जो क्लोज है या मेन आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट जो है उसको मॉडिफाई कर रही होगी। तो देखिए एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, ही इज, ये इसको आप छोड़ दीजिए, एज इंटेलिजेंट, जहां पे कंपैरिजन हुआ है उस पार्ट को आपने पकड़ना है, कहां हुआ है कंपैरिजन, एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ब्रदर तो वो इतना इंटेलिजेंट है जितना कि उसका भाई, तो एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर, ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन। आई कैन रन एज फास्ट एज माई फ्रेंड, मैं भाग सकता हूं उतना ही तेज जितना कि मेरा दोस्त, तो एज फास्ट एज माई फ्रेंड। शी इज बेटर देन अदर गर्ल्स, वो और लड़कियों से क्या है, बेटर है, तो यहां पर शी का कंपेरिजन हो रहा है अदर गर्ल्स के साथ, और इसमें ये जो हो जाएगी बेटर देन अदर गर्ल्स, ये क्या है, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपेरिजन है। और यहां पर एग्जाम्पल्स दिए हैं, ही इज नॉट एज क्लेवर एज हिज फादर, तो ये एज क्लेवर एज हिज फादर क्या हो जाएगी, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपेरिजन। यू मस्ट वर्क हार्डर देन आई डू, हार्डर देन आई डू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुमको कितना काम करना चाहिए, अब यहां से कंपेरिजन स्टार्ट होता है, हार्डर देन आई डू, उससे भी ज्यादा जितना कि मैं करता हूं। टीचिंग हिम इज, उसको टीच करना कैसा है, अब यहां पे कंपेरिजन हो रहा है किससे, एनिमल से, टीचिंग हिम इज लाइक टीचिंग एन एनिमल, उसको पढ़ाना कैसा है, जैसा कि एक जानवर को पढ़ाना, तो ये कंपेरिजन है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो देखिए वेरी इजी है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। द बॉय इज एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, तो इसमें बॉय क्या है, एज स्टूपिड एज ही इज लेजी, उतना ही स्टूपिड है जितना कि वो लेजी है। शी इज ओल्डर देन शी लुक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, वो कैसी है, बड़ी है उससे जितने की वो दिखती है। शी इज टॉलर देन हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड से लंबी है, तो ये मेन है और इसका कंपेरिजन हो रहा है यहां से, टॉलर देन हर हस्बैंड। ही इज नॉट सो गुड एज वी थॉट हिम टू बी, तो इसमें क्या हो जाएगा, सो गुड एज वी थॉट हिम टू बी, वह कैसा नहीं है, उतना अच्छा नहीं है जितना कि हम उसको सोचते हैं। आई ड्राइव मोर केयरफुली देन माई ब्रदर, तो मोर केयरफुली, मैं कैसा ड्राइव करता हूं, अपने भाई से ज्यादा केयरफुली। ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता, कैसा काम नहीं करता, एज फास्ट एज आई डू, वह काम नहीं करता
उतना तेज जितना कि मैं करता हूं। इट इज लेटर देन यू थिंक, इसका हो जाएगा लेटर देन यू, ये कैसा है, जैसा कि आप सोचते हो उससे लेटर है। एट्थ है शी इज मोर क्रेजियस देन हर फ्रेंड, तो इसमें क्या आ जाएगा, वह कैसी है, मोर क्रेजियस देन हर फ्रेंड, तो इसका कंपैरिजन अपने फ्रेंड से हो रहा है और वो कैसी अपने फ्रेंड से मोर क्रेजियस है। तो ये एडवर्ब क्लोज ऑफ कंपैरिजन थे। आज इस वीडियो में फिलहाल हम इतना ही करेंगे, उसके बाद हम जो बाकी बची हुई हैं इसकी एडवर्ब की क्लोजेस उसके कंसेप्ट्स को करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइजेज आपकी बुक में गिवन होंगी हम उसको भी देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है होमवर्क करने में या आपको अच्छे से समझ में आ रही है, कंसेप्ट्स की क्लैरिटी मिल रही है, तो मेक श्योर कि आप वीडियोस को लाइक करें, इससे मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।